हेलो बच्चों, वेलकम टू अन अकेडमी। तो सारे सारे जितने भी लोग हो, आप लोग जो भी तैयारी करते हो, ऑब्वियसली जब आप तैयारी करते हो तो हर किसी का सपना होता है कि मैं इंडियन ऑयल ज्वाइन करूंगा, मैं एनटीपीसी ज्वाइन करूंगा, मैं गेल को ज्वाइन करूंगा, है ना। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करते हो, आप रात रात मेहनत करते हो, दिन दिन मेहनत करते हो, पूरा पूरा टाइम लगे रहते हो, और तब कहीं जाके हमारे गेट में एक बहुत अच्छी रैंक आती है, और रैंक आने के बाद हम इंटरव्यूज देते हैं, फिर हम सेलेक्ट होते हैं, तब कहीं जाके हमारे सपने साकार होते हैं। तो जस्ट आज का जो वीडियो है वो इसीलिए है कि इंडियन ऑयल की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। जितने भी लोगों ने गेट 2021 दिया था, और गेट 2021 उनका बहुत अच्छा गया था, जिन लोगों का रैंक बहुत अच्छा था, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि इंडियन ऑयल ने अपनी जो नोटिफिकेशन थी वो रिलीज़ कर दी है, वो 7 जुलाई को ही रिलीज़ की है, और वो शाम को थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से शाम को आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई। तो इसमें जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इतने ब्रांचेस को उन्होंने इन्वाइट किया है जिन लोग ने गेट में पेपर दिया था। और गेट के पेपर के बाद जिनका रिजल्ट आया है, जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई, उन्होंने उन लोगों को एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस वही है कि आपका बीटेक होना चाहिए, बीटेक के साथ साथ आपका गेट स्कोर कार्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए, गेट 2021 वाला। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद इस बार और एक गुड न्यूज़ है कि इसमें इस बार जो IOCL की वैकेंसीज होंगी उसमें गेट वाले कैंडिडेट के साथ साथ कुछ कैंडिडेट वो भी लेने वाले हैं जिन्होंने इंटर्नशिप की थी। जो मतलब हमारे ऊपर एक हमेशा कंपनीज के ऊपर एक धब्बा लगता था कि सर हम लोगों ने इंटर्नशिप कर ली थी, इंटर्नशिप करने के बाद हमारी किसी ने कुछ सुनी नहीं, या हम करने के बाद सर रह जाते थे, अप्रेंटिसशिप जिसको आप बोलते हैं कि सर हम अप्रेंटिसशिप करके आए थे, पूरा 1 ईयर अप्रेंटिसशिप किया, करने के बाद हम घर पर बैठे। तो इस बार कुछ जो सीट होंगी वो ऑब्वियसली अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स के लिए भी भरी जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और मैं इसका हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करते हैं, आपको उसका कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसका हमेशा आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यस, इंडियन ऑयल ने ये शुरुआत की है आपके लिए, तो जिन लोगों ने भी अप्रेंटिसशिप की थी उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि यस दे हैव अ गुड चांस, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी सक्सेसफुल अप्रेंटिसशिप हुई है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट जो एमटेक कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्होंने 2021 का गेट का एग्जाम दिया हो। बाकी एज लिमिटेशन वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ वैसे ही है, मतलब अगर मैं एज की बात करूं तो जो भी आपका मतलब PSU के लिए एज रहता था, दैट इज 26 ईयर, जो IOCL पहले से ही रखता था, SC ST को 5 ईयर्स की छूट, OBC को 3 ईयर्स की छूट, वो एज इट इज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 65% आपके BE BTEC में होने चाहिए जो जनरल के कैंडिडेट हैं, और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनका 55% होना चाहिए। तो मतलब सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है जो हमें पहले से मिलता था वैसे ही है, बस ये है कि नोटिफिकेशन आ गया है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। तो आप लोग सब लोग रेडी रहिए और जल्दी से इसका फॉर्म अपना भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आने के बाद आप इंटरव्यू दीजिए, और आई विश कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। बाकी इसका जो भी नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको अभी इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो यहाँ पे पिन कमेंट में दे देता हूँ, ताकि आप पूरी की पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद ही आप अच्छे से अप्लाई करें, ठीक है। इसका अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो पैकेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब 15.2 लाख से के आसपास पैकेज है, मतलब आप ये मान के चलो कि 50,000 से लेके 1,60,000, मतलब इन हैंड आपकी में जो सैलरी आती है वो लगभग 70-80 के बीच में आती है। तो इट्स अ गुड पैकेज, आप मतलब ऑब्वियसली इसको एंजॉय करने वाले हैं। दैट्स वाई हम हमेशा बोलते हैं कि सर ये हमारी ड्रीम जॉब है, और यस ये ड्रीम जॉब रहती है, एवरी इंजीनियर्स के लिए ये ड्रीम जॉब रहती है। तो ओके, आप लोग आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब लोग अप्लाई करिए जिन लोगों का गेट में रैंक अच्छा आया, और जिन लोगों का नहीं आया है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है कि यस नेक्स्ट ईयर हमें भी अप्लाई करना है, तो ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।